जिस तरीके से रामायण के सभी पात्रों के द्वारा मनोज मुद्गिल और ओम राउत जी ने टपोरियों की भाषा, गुंडे मवालियों की भाषा, अस्तरहीन भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनकी जुबान से बुलवाया है, ये स्वाभाविक रूप से इस देश के आदर्श और महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड विद्वान रावण, यहां तक कि एक कुशल राजनयिक राजदूत, राम के भक्त और सेवक हनुमान, मेघनाथ आदि आदि के मुंह से इतनी हल्की बात करा करके इन सबको अपमानित किया है, महापुरुषों को अपमानित किया है। कार्रवाई होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सही मायने में अगर किसी आराध्य को लखेरा साबित करने की बात की जा रही है, टपोरियों की भाषा बुलवाई जा रही है, गुंडे मवाले की भाषा बुलवाई जा रही है, तो हम समझते हैं इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता है। इसको तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए, इस पिक्चर को जनता के बीच में दिखाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब चूंकि उनकी राजनीति की पारी की शुरुआत ही बीजेपी गठबंधन से हुई, यद्यपि पार्टी तो 2000-2001 से बना रखे हैं, लेकिन विधायक तभी बने जब वो गठबंधन का सहारा लिए, पहले गठबंधन का सहारा लेके बीजेपी से 4-5 विधायक बना लिए, इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 8 विधायक बना लिए, तो वो तो गठबंधन की पैदाइश है। और गठबंधन चूंकि समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो उनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जाएंगे, तालमेल करेंगे, गठबंधन करेंगे और सौदा करके ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे।